साहब धोखा था, वो लड़की आई और सबको पागल बना के चली गई। निकाह नामा तक तो जाली था। अच्छा, पागल बनाकर चली गई। अम्मी वो निकाह नामा फेक नहीं था, अहमद फेक है, बहुत जाली है। आपने उसकी शक्ल देखी थी जब वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, रंग उड़ गया था उसका। यही अगर धोखा हमने किया होता तो दम निकल जाता उसका। नहीं अम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। उस लड़की को देखा था, बेचारी प्रेग्नेंट थी। आप तो माँ है, आपको नजर नहीं आया? वो झूठ नहीं है अम्मी, वो झूठ नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस धोखेबाज से शादी नहीं करूंगी। निकाह हो चुका है तुम्हारा और ऐसा लड़का दोबारा मिलेगा भी नहीं। हाँ, मिलेगा भी कैसे, ऐसा धोखेबाज आपने ये चुना था मेरे लिए? एक मैंने चुना था जिसने मुझे बता दिया कि मेरे प्यार की क्या औकात है, और आप, आपको क्या मिला मुझे? एक अमीर कबीर सोने का सांप। बस अम्मी, मैं अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। वो गया तो गया। कैसे गया है? उस पे कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, और वो लड़की कायनात कहाँ है, कुछ अता पता है उसका? इधर रुखसती सर पे है, क्या मसला है? अच्छा खासा सजा सजाया लड़का है, लोगों का क्या, एक की दस लगा के बताते हैं। मेरा हुक्म तुम मानोगी, और वैसे भी उसकी बात मानना भी तुम पे अब लाजिम है। चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, चाहे वो कुछ भी हो, ये सारी साजिश जो है ना तुम्हारी ताई के घर की है, पता है मुझे अच्छी तरह से। उनको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखें। उन लोगों को फोन कर रही हूं मैं, अगर अहमद बेटे ने फोन उठाया तो तुम बात करोगी? मैं नहीं करूंगी। तुम करोगी बात। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।